बच्चे गए तो पहले उनको ना कैथेटर पास किए पेशाब की जगह के अंदर, कैथेटर जैसे ही पास किए वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो गई। जब वो सीटी स्कैन करने के बाद लेकर आए तो मेडिसिन स्टार्ट किए और उसमें ना 41 mm का ब्रेन हेमरेज था। डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर विनित करने के भाई इनका कुछ नहीं कर सकते, खाली दुआ के ऊपर है। तो मैंने डॉक्टर अनवर अमीर को मैंने फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन किया, अनुभव ऐसे ही बात है, और मैंने उनको अपनी अब्बा की रिपोर्ट फैक्स किया सीटी स्कैन की और पीएसए की रिपोर्ट। तो ये फ़ौरन मुरादाबाद आए, आने के बाद उन्होंने सिर्फ दो डोज मेरे को दिए, बोले इनको जो है ना राइस तो के जरिए उनको खिला दो। अनवर भाई के दो डोज ने होम्योपैथी के इतना अजीब सा मतलब फ़ायदा दिया उनको। सुबह के टाइम रात को मैंने डोज दिया, सुबह को उठ के बैठ गया, आँख खोली, उन्होंने थोड़ा नाश्ता भी किया, उठ के बैठ चलने लगे। कंटिन्यू अनवर भाई का इलाज 6 साल मेरे चलता रहा, 2 साल तक कंटिन्यू था। उनको जो पीएसए था वो भी लेवल में आ गया, स्टेब हो गया, और जो 41 का हेमरेज था, 41 mm का हेमरेज था, वो 3 साल के अंदर 0 पर आ गया। डॉक्टर अनवर अमीर का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे वालिद साहब को दोबारा नई जिंदगी दी। फिर डॉक्टर अनवर साहब जब